दोस्तों, मेरा टीचिंग पोल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 का वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कह रहा है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। कह रहा है कि एक गेम है जो स्पिन करता है नंबर, और एक एरो है जो नंबर को दिखाता है। मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये यहाँ पे धुरी लगा हुआ है, इसको नचाता है, और ये क्या करता है, जब रुकता है तो किसी एक नंबर पे पॉइंट करता है इस ये एरो। तो ये जब नचेगा, नचा के छोड़ देंगे तो किसी एक पे ही जाके रुकेगा, किसी भी नंबर पे रुक सकता है। ये यहाँ पे एरो लगा हुआ है, तो ये घूमते 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 या एक पे रुक जाए, दो पे रुक जाए, तीन पे रुक जाए, कहीं भी रुक सकता है। तो कह रहा है कि एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, कह रहा है या इक्वली लाइकली है, इसका मतलब कि कहीं से कोई चीटिंग नहीं हो रहा है। इक्वली लाइकली है मतलब संभावनाएं सब पे बराबर है, एक पे भी आके रुक सकता है, दो पे भी आके रुक सकता है, तीन पे भी आके रुक सकता है। इसलिए इसको बोला है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब कहीं भी कोई चीटिंग वाली कोई बात है नहीं, नचते 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 ये कहीं पर भी जाके रुक सकता है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो कह रहा है 8 पे रुकने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 8 कितने हैं, 1 है, तो एक चांस ऐसा बन सकता है कि 8 पे रुक जाए, बाकी टोटल चांस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल चांस 8 है, लेकिन एक चांस तो हमारा फेवर में है कि 8 पे आके रुक सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन 12 का पार्ट फर्स्ट करा 8 पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 विल बी पॉइंट एट 8, या स्पिनर बोल दो, लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 will be पॉइंट एट 8, 8 पे पॉइंट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा एक चांस तो बनता है कि 8 पे भी आके रुक सकता है, बाकी किसी पे भी आके रुक सकता है। तो टोटल चांस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 8 है, तो पॉसिबल आउटकम 8 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम 8 है, लेकिन फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 ही है कि 8 पे भी आके रुक सकता है। तो इसको लिख सकते हो टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 तो चांस है 8 पे रुकने की, तो 1 हो गया एक चांस, और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 8 चांस है, यानी कि 8 में एक चांस 8 की आने की है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया 8 की, 8 आने की, 8 पे रुकने की। ठीक है, अब पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट टू क्या कह रहा है दोस्तों, पार्ट टू कह रहा है एन ओड नंबर, ये जो पॉइंट है, ये जो है हमारा एरो, ओड नंबर पे आके रुके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ओड नंबर देखो कौन कौन से ओड होता है, ओड नंबर हमारा कितने हैं, ओड नंबर 1, 2, 3, यही ओड है ना, 3, तो हमारा ओड नंबर है 3, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो फेवरेबल आउटकम 3 पे भी रुकेगा,
तो भी हमारा ओड मिल जाएगा। 5 पर रुकेगा तो भी ओड मिल जाएगा, 7 पर रुकेगा तो भी ओड मिल जाएगा। तो हमारे फेवर में 3 चांस है टोटल 8 में से, या 8 पे भी रुक सकता है, 1 पे भी रुक सकता है, 2 पे भी रुक सकता है, 6 पे भी, 4 पे भी, कोई भी रुक सकता है। लेकिन हमारे फेवर में कितने चांस है, 1, 2 एंड 3। तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो गए, इसमें 3 फेवरेबल आउटकम हो गया, टोटल 8 है। तो 8 में से 3 कह रहा है कि एन ओड नंबर, ओड नंबर को पॉइंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी 8 will पॉइंट एट एन ओड नंबर, ठीक है। ये ओड नंबर को पॉइंट करेगा या आके रुकेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी था, हमारी कितनी थी फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमारा था 3, कितने में से टोटल आउटकम कितने थे 8, 8 में से 3 आउटकम हमारे फेवर में, यानी कि 3/8 ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 कह रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 2, इस स्पिनर में 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था और 8 था। अब कह रहा है कि ये जो है ये रुके कहाँ पे जाके, ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से जो बड़ा नंबर होगा उस पर जाकर रुके। ए नंबर ग्रेटर देन 2 तो 2 से बड़े नंबर पे जाके रुके। तो 2 से बड़े नंबर देखो कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर ऐसा है, ये 2 से बड़ा 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 है, यानी कि 3 पर रुके चाहे 4 पर रुके, 3 पर रुके या 4 पर रुके या 5 पर रुके या 6 पर रुके या 7 पर रुके या 8 पर रुके, ये स्पिनर कहीं पे भी जाकर रुके जो 2 से बड़ा हो, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है ना, ये हमारे फेवर में आएगा, कहीं भी रुक जाए तो हमारे फेवर में आएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है ये नंबर ग्रेटर देन 2, एक नंबर जो 2 से बड़ा हो उसकी हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो चांस हमारे कितने हैं हमारे फेवर में, हमारे फेवर में चांस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने में से 8 में से, तो हमारा फेवरेबल आउटकम 6 हो गया और टोटल आउटकम 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 विल पॉइंट एट ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर पे पॉइंट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितने फेवर में हमारे 6 चांस है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/8 हो जाएगा। ये देखो 2 से कट रहा है, 2, 3 जा 2, 4 जा, कितना हो जाएगा 3/4, यही हो जाएगा ना, ठीक है। ये हमारा हो गया 3/4 आंसर। अब पार्ट 4 में कह रहा है ए नंबर लेस देन 9, कह रहा है एक नंबर जहाँ जो 9 से छोटा हो, ऐसा नंबर पाकर रुके जो 9 से छोटा हो, तो 9 से छोटा तो ये 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, यानी कि टोटल नंबर कोई भी आ जाए तो हमारे फेवर में ही आएगा, नहीं कह रहा है नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा कोई भी नंबर वो हमारे फेवर में है, तो टोटल नंबर ही 8 है और 9 से छोटा ये सारे नंबर आ रहा है, तो हमारे फेवर में 8 के 8 नंबर है, कोई भी आ जाए हमारे फेवर में है, तो फेवरेबल आउटकम 8 और टोटल आउटकम 8, तो 8/8 हो जाएगा। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 विल पॉइंट एट ए नंबर लेस देन 9, 9 से जो लेस देन नंबर है, 9 से जो छोटा नंबर है उस पे अगर पॉइंट करें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 8 को नंबर है, सब 8 के 8 क्या है 9 से छोटा है,
जब आठों का आठ नाइन से छोटा होगा तो हमारे फेवर में ये सारे के सारे नंबर है ना, तो फेवरेबल आउटकम एट, और टोटल आउटकम कितने हैं, आठ ही तो है, तो एट बाई एट, एट वन जा एट, एट वन जा एट, ये हो गया वन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे चारों पार्ट्स क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक दिख रहा है मुझे, कह रहा है प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट एट एन ओड नंबर। ओड नंबर कितने थे, एक दो तीन चार, चार ओड नंबर थे, ये फेवर में हमारे चार हो जाएंगे, एक पे भी आके रुके, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, तो ये जो है सो फोर बाई एट होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, ये फोर से कट रहा है ना, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, ये हो जाएगा वन बाय टू। ठीक है दोस्तों, ओड नंबर तो हमारा ये वन भी है, थ्री भी है, फाइव भी है, सेवन भी है, तो कितने टोटल थे ओड नंबर, एक दो तीन चार, फोर एट, एट नंबर ओड नंबर थे ना हमारे पास, तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे, तो फोर और टोटल आउटकम एट, तो फोर बाय एट, फोर से कट गया। ठीक है दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए डाइस इज थ्रोन वंस, कह रहा है एक डाइस को एक बार थ्रोन किया गया, फेंका गया है, तो एक डाइस है, डाइस के ऊपर क्या लिखा होता है, डाइस के ऊपर वन लिखा होता है, टू लिखा होता है, थ्री फोर फाइव सिक्स, और कुछ लिखा होता है क्या, नहीं, सिक्स तक ही लिखा होता है, जो डाइस हमारे पासा होता है उस पर क्या लिखा होता है, पासे पे लिखा होता है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इसके अलावा और कुछ लिखा नहीं होता है। पासा देखे होंगे ना, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसको पासा समझ लो, वही पासा है, तो उस पर क्या लिखा होता है, वन से लेकर सिक्स तक ही तो लिखा होता है। अब कह रहा है डाइस इज थ्रोन वंस, एक ही बार फेंका गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइम नंबर होता क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर वो होता है एक से बड़ा नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, एक से बड़ा नंबर जो या तो वन से डिविजिबल हो या इटसेल्फ से डिविजिबल हो। नहीं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर वह नंबर है जो एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होल नंबर होगा, और या तो वो खुद से डिविजिबल हो या फिर वन से डिविजिबल हो। तो हमारा प्राइम नंबर कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो ये खुद से डिविजिबल है या वन से डिविजिबल है, एक से बड़ा भी है, एक प्राइम नंबर ये हो जाएगा हमारा, और एक प्राइम नंबर ये हो जाएगा, ये एक एक और खुद के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं है, ये भी वन और खुद से डिविजिबल के अलावा और किसी से नहीं है, ये भी वन या खुद से डिविजिबल है, तो ये हमारे प्राइम नंबर कितने हो गए, एक दो तीन। तो ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, कह रहा है कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा फेवर में कितने हैं, एक दो तीन, तीन हमारे फेवर में है ना, तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे, थ्री। तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर फेवरेबल आउटकम कितने हैं, इसे लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितने हैं, कितने है हमारे प्राइम नंबर, एक दो तीन, तीन हमारे प्राइम नंबर है, तो हमारे फेवर में ये तीनों नंबर है, टोटल कितने नंबर है, एक दो तीन चार पाँच छः, इस छः में से कोई भी आ सकता है ना, लेकिन तीन तो हमारे फेवर में, ये आया तो भी, ये आया तो भी, ये आया तो भी, तो हमारे फेवर में कितने हैं, तीन नंबर है जो प्राइम है, और बाकी ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, ये भी, ये भी, ये भी, तो टोटल हमारा कितने हैं पॉसिबिलिटी, छः आउटकम की। अब ये कट जाएगा, थ्री से थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, कितने हो गया, वन बाई टू।
ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी 1/2, आधे आधे की चांस है। अब ये पार्ट टू में क्या करा है, पार्ट टू में करा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। कह रहा है कि एक नंबर जो आता है बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, देखो 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में 1, 2, 3, यही 3 नंबर है ना, 1, 2, 3, 3 ही नंबर है ना। तो ये 2 और 6 के बीच में ये 3 नंबर आने की चांस है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम यही 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 नंबर ना, 2 और 6 के बीच में, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में आने वाला नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 2 and 6 के बीच में 3, 4, 5 यही आता है, तो हमारे फेवर में कितने है, यही 3 है, 1, 2, 3, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा ना। तो ये फेवरेबल आउटकम हमारे 3 है, और टोटल पॉसिबिलिटी ये भी आ सकता है, ये भी कोई भी आ सकता है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जो नंबर आता है उसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितने नंबर, 1, 2, 3 है जो 2 और 6 के बीच में है, तो 3 डिवाइडेड बाय टोटल, ये सब आने की चांस है। तो 6 हमारा पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 3, और टोटल आउटकम हमारे 6 है, 3 1 3, 3 2 6, ये कितना आ गए 1/2, इसका भी आंसर 1/2 ही है, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 3 में कह रहा है एन ओड नंबर, ओड नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पूछा था ओड नंबर, तो ओड नंबर क्या क्या है, देखो ओड नंबर हमारे कितने हैं, एन ओड नंबर पूछ रहा था, 1, 2, 3 यही ना ओड नंबर। ओड नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, तो 2 से डिवाइड ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो हमारे टोटल फेवरेबल आउटकम ओड वाले कितने हैं, ठीक ना। ओड कितने होते हैं हमारे पासे में हमारे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। कह रहा है कि एन ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ओड ये भी है, ये भी है, ये भी है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है, जो 2 के टेबल में आएगा वो ओड नहीं होगा, तो 2 के टेबल में ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो टोटल हमारे ओड नंबर कितने हैं, 3, तो ये हमारे फेवर में है, 3 हमारे 3 नंबर फेवरेबल आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 डिवाइड बाई चांस, तो सब किसी कोई भी आ सकता है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबिलिटी ये 6 नंबर आने की है, तो ये 3 1 3, 3 2 6, यानी कि इसमें देखो पार्ट 1, 2, 3 में सारे आंसर 1/2 ही है, कोई आंसर में चेंज है नहीं, तीनों पार्ट्स के आंसर 1/2 ही है, ठीक है दोस्तों। मैं वीडियो दो दो क्वेश्चन करके ही वीडियो आगे बनाने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन 12 और 13 को एक ही में बना दिए हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको हेल्प करता है पढ़ने में या सही लगता है, तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, एंड सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएंगे और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।